मोटो जी 45 21 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। इसका लाइव इमेज सामने आ गया है, चलिए देखते हैं क्या क्या इस स्मार्टफोन में मिलेगा और कितना प्राइस रहेगा। 6.5 इंच का डिस्प्ले हो सकता है, फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाला कॉर्निंग ग्लास 3 का प्रोजेक्शन आ सकता है, आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले ही देखने को मिलेगा, 120Hz का डिस्प्ले हो सकता है। ऑब्वियसली डिस्प्ले के ऊपर फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलेगा, साइड में पावर बटन पे मिल सकता है। माइक्रो एसडी कार्ड लगाने का डेडिकेटेड स्लॉट मिल सकता है, 3.5mm ऑडियो जैक लगाने का भी स्लॉट मिल जाएगा, ब्लूटूथ वर्जन 5.2, वाईफाई वर्जन 5, एनएफसी भी देखने को मिल सकता है। कैमरा सेक्शन की बात करें तो ये निराशाजनक हो सकती है, रियर में 50+2 MP का कैमरा और फ्रंट में 16 MP का कैमरा, और फ्रंट और रियर दोनों कैमरा से 1080p 30fps तक ही वीडियो रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल सकता है, तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 चिपसेट मिल सकता है, 6 नैनो टेक्नोलॉजी बना हुआ चिपसेट है, LPDDR4X रैम टाइप, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप। इसका इंटूटू स्कोर 4,71,000 के आसपास है। इस स्मार्टफोन का प्राइस कितना रहता है कंपनी की तरफ से अभी कंफर्म नहीं किया गया है। आई थिंक इसका बेसिक वेरिएंट का प्राइस 15,000 से नीचे हो सकता है, क्योंकि जिस तरह का चिपसेट दिया गया है और कैमरा सेटअप किया गया है तो उम्मीद लगाया जा रहा है कि 15,000 से नीचे के रेंज में ही लॉन्च होना चाहिए। अब 15,000 से ऊपर के रेंज में लॉन्च होगा तो आई थिंक ये स्मार्टफोन लेने लायक नहीं होगा।